दोस्तों, तो दिवाली और ऐसे ओकेशन पर सैमसंग कोई फोन लॉन्च ना करे ऐसे तो नहीं होता है। तो सैमसंग ने लॉन्च किया अपना S24 FE फोन, और ये फोन दिवाली पर धूम मचाने वाला है। अगर आप भी अगर कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें भर भर के सैमसंग ने फीचर्स डाले हैं और प्राइस भी आपको काफी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो जल्दी से करते हैं सैमसंग के S24 FE का अनबॉक्सिंग, और आपको दिखाते हैं कि क्या फीचर्स के साथ में सैमसंग ने इसे अपडेट किया है। तो सबसे पहले देखिए आप, हमने आपके लिए मंगाया ब्लू कलर का सैमसंग का S24 FE। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स में सैमसंग क्या क्या देता है। तो आपको नॉर्मली सबको पता चल ही गया होगा आजकल के सैमसंग अपने बॉक्स में चार्जर नहीं देता है, लेकिन एक फास्ट चार्जिंग केबल मिलती है जो आपको C2C देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फोन के बारे में कि फोन में सैमसंग ने क्या अपडेट किया है, कैसे फीचर्स होने वाले हैं और क्या बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो भाई देखो अपने कि यार क्या ब्लैक कलर का पेपर लगा के देती है सैमसंग। तो अभी मैंने आपके लिए मंगाया इसमें ब्लू कलर का सैमसंग का S24 FE। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो राइट साइड में आपको यहाँ पर पावर की बटन मिलने वाला है, ऊपर की साइड में आपको मिलने वाला है वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर आपको ड्यूल साइड में आपको माइक के सेंसर मिलने वाले हैं, और यहीं आपको सिम का स्लॉट भी मिलने वाला है। अब बात करेंगे डाउन साइड में, तो यहाँ पर आपको टाइप सी का स्लॉट मिलने वाला है चार्जिंग के लिए, और आपको स्पीकर का ग्रिल मिलने वाला है जिससे काफी पावरफुल साउंड आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं सैमसंग के S24 FE के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग ने काफी अपडेट किया है, और आपको 6.7 इंचीज की डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसमें सारे फुल HD के रेजुलेशन आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ में 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, और सबसे अच्छी चीज कि मजबूती भी भर भर के डाली है सैमसंग ने इसमें दिया है गोरिल्ला ग्लासेस का सपोर्ट, जिससे ये आपको काफी प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं फोन के बैक साइड के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लासेस का ग्लास प्रोटेक्शन मिलने वाला है, और अगर इसकी फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलने वाली है जो काफी लाइट वेट होती है, इसकी वजह से ये फोन काफी लाइट वेट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर कैमरा आपको मिलने वाला है, जो कि OIS कैमरा के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलने वाला है, और 8 MP का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलने वाला है, जिसमें आप 30x तक का डिजिटल जूम कर पाएंगे, और अगर बात करें ऑप्टिकल जूम की तो 3x का ऑप्टिकल जूम करके आप फोटोज को बहुत अच्छी क्वालिटी में। इसी के साथ में सबसे अच्छा जो अपडेट किया है इसमें, आप 8K का रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 30 FPS के साथ में। अब बात करते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड जूम ले पाएंगे, और एक बात के 4K का आपको 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं S24 FE के प्रोसेसर के बारे में। तो सैमसंग ने इसमें यूज किया है एक्जोनॉस 2400E 5G चिपसेट, और साथ में आपको डेका 3.1 का CPU आपको देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ में ये फोन आपको 8GB 128GB और 8GB 256GB के दो वेरिएंट में मिलने वाला है। और इन सबको पावर देने के लिए सैमसंग ने इसमें यूज किया है 4700mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी, और इसे चार्ज करने के लिए सैमसंग ने इसमें दिया है 25W का चार्जिंग सपोर्ट। और गाइज, इसी के साथ में अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट 3 ईयर्स के होने वाले हैं, और आपको एंड्रॉयड अपडेट 5 ईयर के देखने को मिलने वाले हैं, और ये फोन आपको 59,000 के समथिंग देखने को मिलने वाला है। और जल्दी से हमारा चैनल टेक आर्या सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना।